आज समाजशास्त्र में सोशल रिसर्च से संबंधित एक नए टॉपिक सोशियोमेट्री पे बात करेंगे, समाज मिति। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से सामाजिक शोध में विभिन्न बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज समाज मिति से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक व्यवहारों को जानने का प्रयास हम निरंतर करते हैं, लेकिन सामाजिक घटनाएं नेचुरल फेनोमेना से थोड़ी डिफरेंट है, यानी भौतिक घटनाओं से अलग है। ऐसे में सामाजिक घटनाओं को, चूँकि सामाजिक घटनाएं हमारी गुणात्मक रूप में होती हैं, उनको परिमाणात्मक रूप में समझने का प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। ऐसे में समाज मिति इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है एवं पारस्परिक संबंधों की माप के लिए अनेक पैमाने में से एक है समाज मिति, जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात व्यक्ति की जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्थिति है, और उसके जो पारस्परिक संबंध हैं, उनकी माप के लिए समय समय पर अनेक तरह के पैमाने बनते रहे हैं। उनमें से अनेक पैमानों ने ये जानने का प्रयास किया कि कैसे संबंधों को जानें, कैसे स्टेटस पे जानें, स्टेटस को कैसे जान सकते हैं, पारस्परिक संबंधों को कैसे जान सकते हैं, किस तरह से संबंध बनते हैं, इनको हम परिमाणात्मक रूप में, संख्यात्मक रूप में कैसे जान सकते हैं। इसी क्रम में हम विशेष रूप से समाज मिति को स्थान देते हैं। समाज मिति पैमाने को मोरेनो ने हू सेल सर्वाइव पुस्तक में प्रस्तुत किया। हालांकि इससे पहले भी अनेक समाजशास्त्री इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन अनेक विद्वान करते रहे, लेकिन मोरेनो का ये जो प्रयास था ये काफ़ी हद तक सराहनीय है। इस प्रणाली की रूपरेखा सर्वप्रथम 1934 में प्रस्तुत की गई, लेकिन समाज मिति के इतिहास, सिद्धांत, शब्दावली का विस्तृत विवेचन मोरेनो ने 1953 में प्रस्तुत किया। छात्र संगठनों, सैनिक समूहों, कारखानों एवं विभिन्न समुदायों के अंतर्गत सदस्यों की स्थिति को ज्ञात करने, नेतृत्व से संबंधित समस्याओं को जानने, प्रजाति संबंधों का अध्ययन करने एवं मतदान व्यवहार को जानने में इसका उपयोग किया जाता है। एक तरह से समाज में ज़्यादातर स्थानों पर हम इसका प्रयोग करके ये जान सकते हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है, अर्थात संख्यात्मक रूप में उसको जाना जा सकता है। समाज मिति एक विशेष समूह के सदस्यों के बीच एक समय विशेष में पाए जाने वाले संबंधों के संपूर्ण ढांचे को सरलतम और चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है। जेनिंग्स ऐसा कहते हैं, मतलब एक तरह से हम समाज मिति के जरिए हम कोई एक पर्टिकुलर समूह, जो विशेष समूह है, उसके सदस्यों के बीच किस तरह का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन को जानने का प्रयास कर सकते हैं। विशेष रूप से जो तरह तरह के संबंध बनते हैं, उन संबंधों का जो ढांचा है, उसका एक सरलतम रूप, एक चित्रमय रूप को जानने का प्रयास हम समाज मिति के जरिए कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम समाज मिति एक ऐसी पद्धति है जिसका उपयोग एक समूह में व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले आकर्षण एवं विकर्षण यानी अरुचि का माप करके सामाजिक स्वरूपों की खोज की जाती है। ये बात फ्रेंज ने कही, मतलब कहने का हम ये देख सकते हैं, चाहे वो किसी समूह में, चाहे किसी कॉलोनी में, चाहे किसी क्षेत्र में, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, हम ये जान सकते हैं कि कौन किसको ज़्यादा पसंद करता है, किसको कम पसंद करता है, ये जानने का प्रयास कर सकते हैं। इसके ज़रिए हमको ये जानकारी मिल जाती है। इस आधार पर हम ये देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने समाज मिति के बारे में अपने अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। अर्थात समाज मिति के माध्यम से हम एक नेतृत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, किसी क्लास में अगर मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, तो उन बच्चों में से नेता कौन है, किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बात जानने का प्रयास कर सकते हैं। इस आधार पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स कही जा सकती हैं। समाज मिति किसी समूह के सदस्यों के बीच विद्यमान संबंधों का माप करने वाली विशेष रूप से विशेष प्रणाली है। यानी कहा जाए, हम ये जान सकते हैं समाज मिति के माध्यम से
कि कोई भी समूह में जो सदस्य है उसके बीच जो संबंधों की माप कैसे की जा सकती है, उस आधार पर ये एक बहुत अच्छी प्रणाली है। इस प्रणाली में बड़ी सीमा तक सामाजिक संरचना के स्वरूप को जाना जा सकता है, मतलब हम उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो इसके जरिए जान सकते हैं। समाजमिति परीक्षण पर आधारित है, अर्थात इसमें परीक्षण किया जा सकता है जिसके द्वारा पारस्परिक संबंधों की जो प्रकृति है उसको ज्ञात करके परिणामों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जा सकता है। एक तरह से गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक तथ्यों में, संख्यात्मक तथ्यों में बदला जा सकता है। यह एक विश्वसनीय पैमाना है क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता का दृष्टिकोण है। व्यवहारिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है, अर्थात व्यवहार में ये चीज़ देखी जा सकती है। इस माप की प्रणाली, इसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि अनेक हमने देखा, विषय का चुनाव, विषय का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विषय का चुनाव सही ढंग से नहीं अगर होता है तो ऐसे में समाजनीति सही सफल नहीं हो सकती। अध्ययन विषय, ऐसा समूह परिवार हो सकता है, स्कूल हो सकता है, सरकारी या गैर सरकारी संस्थान हो सकते हैं, अर्थात विषय क्लियर होना चाहिए, विषय स्पष्ट होना चाहिए। जब तक कि विषय स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम समाजनीति को अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि विषय से संबंधित विशिष्ट स्वरूपों का चुनाव, जो विशिष्ट स्वरूप है हमको उनका चुनाव भी करना होगा। विषय के किन किन विशिष्ट पहलुओं के बारे में हमें अध्ययन करना है, उन पहलुओं, दशाओं या लक्षणों की व्याख्या कर लेना चाहिए जिससे अलग अलग माप करना संभव है। यानी एक तरह से हम विशिष्ट स्वरूपों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद आधारों का निर्धारण, हम आधारों का निर्धारण, जो आधारभूत मापदंड हैं या आधार हैं उनको निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जब तक कि हम आधारों का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हम इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, जिसके चारों ओर सामूहिक क्रियाकलाप घटित होता है। मतलब बेस क्या है, उस बेस के चारों तरफ ही सारे क्रियाकलाप होते हैं। आधारों को सही चुनाव पर ही पहलू को सही रूप में समझा जा सकता है। जो हमारे पहलू थे उनको समझने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन हमारे आधार क्लियर होने चाहिए। आधारों को फिर हम मूल्य प्रदान करें, हमारे जो आधार हैं उनको मूल्य प्रदान करें। आधारों का निर्धारण होने के बाद तुलनात्मक महत्व के अनुसार उनको उपयुक्त मूल्य प्रदान करना चाहिए। मूल्य प्रदान करने से क्या होगा, हम गुणात्मक घटनाओं का परिमाणात्मक व्याख्या दे सकते हैं। अर्थात आधारों को मूल्य प्रदान करते समय पूर्णतः वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, यानी हम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का पालन करते हैं। उचित निर्देशों का उपयोग हम कर सकते हैं। हम जब इस प्रोसेस में हम ये भी देखते हैं कि हमने सैंपल जो लिया है वो सही होना चाहिए, उचित निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि वह संबंधित समूह का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो, यानी सैंपल बिल्कुल संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। शुरू में कुछ सैंपल को लेके टेस्टिंग करके देखा जा सकता है, क्योंकि अगर शुरू में टेस्टिंग नहीं की जाएगी तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए शुरू में कुछ सैंपल लेके उसके निर्देशन को चेक करके और उस आधार पर फिर उसमें संशोधन किया जा सकता है। इस तरह से कुछ के आधार पर हम चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि किसी क्लास में हमने 50 छात्रों को प्रेम और घृणा से संबंधित उनकी अनुकूल मनोवृत्तियों का पता लगाने के लिए एक पर्ची दी। प्रत्येक छात्र को हमने एक एक पर्ची दी और साथ में उनके क्रमवार पहले 3 मित्रों को चुनने को कहेंगे हम, मतलब उनमें से तीन, कहा कि 3 मित्रों का चयन करो जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, इस तरह से उनको। लेकिन ये सारा जो चुनाव है वो 50 छात्रों तक ही सीमित रहेगा, यानी कि कोई और जो क्लास में 50 छात्र उनके बारे में ही प्रत्येक को कहना है। इसका जितने चुनने वाले होते हैं उतने ही चुनाव करना होता है, मतलब जितने भी चुनने वाले होते हैं उतना ही चुनाव करना होता है। छात्र सब लोगों का चुनाव का पता लग जाएगा तो तालिका उसको चित्र के रूप में दिखाया जा सकता है कि कौन सा छात्र सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सा कम पसंद किया गया।
यानी कहने का मतलब हमने 50 छात्र लिए, 50 छात्रों में से प्रत्येक छात्र से कहा कि 3 छात्रों को चयनित करो जिनको आप पसंद करते हो, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। इस तरह से प्रत्येक छात्र ने 50 छात्रों में से ही 3 का ऑप्शन दिया। इससे क्या होगा, इस तरह से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रत्येक छात्र जो पसंदीदा छात्र के बारे में लिखता है, ऐसे में हमको एक तरफा प्राथमिकता मिलती है। हमको एक ऐसे छात्र के बारे में पता चलता है जिसको ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, वो एक जानकारी हमको मिलती है। दूसरी पारस्परिक प्राथमिकता, कहीं कहीं पर हमको ये भी मिलता है कि एक छात्र ने जिसको पसंद किया उसको ही दूसरे छात्र ने भी पसंद किया, कहने का मतलब आपस में एक दूसरे को पसंद किया, तो एक ये दृष्टिकोण मिलता है। इसके अलावा त्रिकोणीय प्राथमिकता भी दिखाई पड़ती है कि मतलब एक छात्र ने दूसरे को पसंद किया और तीसरे को पसंद किया, इसी तरह दूसरे छात्र ने उस पहले वाले को और तीसरे वाले को पसंद किया, इस तरह से 3 छात्रों ने आपस में एक दूसरे को पसंद किया। तो इस तरह से एक त्रिकोणीय दृष्टिकोण भी, त्रिकोणी भी हो सकता है, चतुर्कोणी भी हो सकता है, त्रिकोणी भी हो सकता है और चतुर्थ भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब इस तरह के दृष्टिकोण भी देखने में आ जाते हैं। इसके साथ साथ दलबंदी का भी दृष्टिकोण, इस तरह के एक दलबंद का भी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है कि एक पूरा पूरा ग्रुप जिसमें सबके सब ने आपस में एक दूसरे को पसंद किया। इसके साथ साथ इसके जरिए ये भी पता चल जाता है सर्वप्रिय नेता कौन है, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, वो जानकारी मिल जाती है। ऐसे में नेता का चुनाव भी हो समाज मीति के माध्यम से हो सकता है। इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष नेता भी, अप्रत्यक्ष नेता एक तरह से हम कह सकते हैं जिसको ज़्यादातर लोगों ने तो पसंद किया लेकिन हो सकता है नंबर 2 वाले के रूप में पसंद किया, यानी नंबर 2, ज़्यादातर लोगों ने नंबर 2 उसको रखा, एक तरह से नेता टाइप का हो गया, उसको भी हम नेता टाइप का कह सकते हैं। अच्छा, एक ऐसी जानकारी मिल सकती है जो पूर्णतः पृथक है, मतलब हम ये देख सकते हैं जिसको किसी ने पसंद नहीं किया, तो एक तरह से वो पूर्णतः पृथक हो सकता है। तो समाज मिति के माध्यम से हमको ये जानकारी मिल जाती है कि हम इन इन बिंदुओं के बारे में हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसके गुणों की बात करते हैं तो इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है, जो कि कोई भेदभावपूर्ण बात नहीं होती है। इसमें हम इसको प्रामाणिकता भी दिखाई पड़ती है इसमें, क्योंकि इसमें इस पैमाने में इस योग्य होना चाहिए कि घटना का सही रूप में किया जाए, तो इसमें प्रामाणिकता की जा सकती है। इसमें एक तरह का किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं, पैमाना बहुत सरल तरह का है, इसमें व्यवहारिकता है, इसको व्यवहार में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात वास्तविक व्यवहारिक होता है। इसके साथ साथ इसमें व्यापकता भी है, तरह तरह की अनेक सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी हम इसके जरिए प्राप्त कर सकते हैं, और एक तरह से आदर्श मापदंडों पर आधारित भी रहती है ये, एक तरह से हम इसको आदर्श मापदंडों पर भी खरा पाते हैं। इसके इतनी बातों के साथ साथ हम ये देखते हैं कि समाज मिति में कुछ सीमाएं भी हैं। यह निदेशक ये निश्चित करना कठिन है कि उत्तरदाता जो प्रत्युत्तर दे रहा है, जो उत्तर दे रहा है, जो जानकारी दे रहा है, वो यथार्थ है, वास्तविक अथवा नहीं है, मतलब वो सही जानकारी दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, ये जानना बहुत ही मुश्किल है। अक्सर उत्तरदाता वास्तविक सूचनाओं को छिपा लेता है, मतलब कई बार ये भी होता है कि जो जानकारी उससे चाहिए वो जानकारी ना देके कुछ और जानकारी देने लगता है, वो किसी से प्रभावित होकर जानकारी देने लगता है, अर्थात आधारों का उचित मूल्य प्रदान करना एक बहुत कठिन काम है। यानी हमने जो आधारों के मूल्य प्रदान करने की बात कही थी, उसको मूल्य प्रदान करना बहुत कठिन है, और ऐसे में हमको सही जानकारी नहीं मिल पाती, यथार्थ निष्कर्ष निकालने में सफल नहीं होता है, यानी जो एक्चुअल निष्कर्ष है उसको निकालने में कई बार समाज मिति सफल नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी समाज मिति के जरिए हम गुणात्मक रूप को संख्यात्मक रूप में परिवर्तित करके वास्तविकता जानने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में समाज मिति का भरपूर उपयोग हो रहा है, और आगे चलकर भी हम इसके माध्यम से समाजशास्त्र में, समाज विज्ञानों में हम एक तरह से सामाजिक शोध कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आज इतना ही।